जम्मू कश्मीर के पुंछ के भीमबर गली में सेना के चलते वाहन पर हुए हमले के बाद सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। हमले के बाद भीमबर गली में बम निरोधक दस्ता और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए मौके पर तैनात है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए इलाके में यातायात ठप हो गया था। वहीं इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकियों द्वारा ग्रेनेड के संभावित उपयोग के कारण सेना के ट्रक में आग लग गई थी। जानकारी के मुताबिक इस पूरी घटना की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद के हिट स्क्वाड पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली थी, यानी PAFF उन आतंकी संगठनों में से एक है जो पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुए हैं। PAFF को जैश ए मोहम्मद और अल बदर का हिट स्क्वाड भी कहा जाता है। इसमें हरकत और तहरीक उल मुजाहिदीन के अलावा हिजबुल के कुछ आतंकी भी शामिल बताए जाते हैं। गौरतलब है कि पुंछ में आतंकी हमला ऐसे समय पर हुआ है जब सभी सुरक्षा एजेंसियां अगले माह कश्मीर में प्रस्तावित G20 बैठक को शांत, सुरक्षित एवं विश्वासपूर्ण माहौल में कराने की तैयारियों में जुटी हुई है। हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF के नेटवर्क को तबाह करने की एजेंसियों ने तैयारी कर ली है। फिलहाल इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।